friends, click on subscribe button of Shakia's Kitchen and press bell icon for more updates. मैं हूँ शाकिया, आपका स्वागत है शाकिया किचन में। आज मैं बना रही हूँ नान कटाई। नान कटाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप यानी 100 ग्राम मैंने लिया है चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया है और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेसन और 1/4 टीस्पून सेमोलिना यानी सूजी, 50 ग्राम मैंने लिया है घी, आप बटर भी ले सकते हो। कार्डमम पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून और मैदा मैंने लिया है अराउंड हाफ कप। सबसे पहले नान कटाई बनाने के लिए एक बाउल में हम घी और चीनी को ऐड कर लेंगे। चीनी मैंने लिया था 100 ग्राम और पीसी हुई चीनी मैंने ली है। दोनों को स्पून से अच्छे से हिला लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से इतने तब तक बीट कीजिए जब तक हमें बटर और चीनी से क्रीमी टेक्सचर ना मिल जाए। क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसको धीरे से स्पीड 1 में बीट करेंगे। अच्छे से बीट कीजिएगा। जैसे एक मिनट हो जाएगा स्पीड 1 होने के बाद हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे यानी स्पीड 2 में जाएंगे। अब रिलीज कर दीजिए, टर्न ऑफ कर लीजिए। उसी साइड में एक बॉल में हम मैदा, सूजी और बेसन को ऐड करके अच्छे से मिला दीजिए। मिक्स करने के साथ साथ में उसमें बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर भी डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बटर, क्रीमी बटर में मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाथ से हम अच्छे से आटा गूंदने की तरह गूंद लेंगे। आटा की तरह गूंद लीजिए, अच्छे से गूंद लीजिए। अच्छे से नीट करने के बाद अगर आपको लगा कि डो का टेक्सचर थोड़ा हार्ड है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हो। चलिए अब हम इसके नान कटाई बनाएंगे। इसको इस तरह से रोल करके बादाम लेके उसको ऊपर से लगा के गार्निश करिए और एक बेकिंग ट्रे पे उसको रख लीजिएगा। बेकिंग ट्रे में ग्रीस कीजिए बटर के साथ या घी के साथ और उसको बना के रख लीजिए। इसी तरह हम सारे नान कटाई को बना लेंगे। रोल कीजिए, आलमंड्स को लगा लीजिए और उसको रख लीजिए। सारे नान कटाई को बना लेंगे। इसी तरह हमने सारे नान कटाई को बना के रखा है। अब हम उसको बेक करेंगे। सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वेंशन मोड में। मैंने माइक्रोवेव को ऑलरेडी प्रीहीट कर रखा था। इसके अंदर मैंने बेकिंग ट्रे को रखा है। हॉट ब्लास्ट फंक्शन मोड ऑन करके 160 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने 10 मिनट्स के लिए फर्स्टली नान कटाई बेक करूँगी। अगेन मैंने फिर से 10 मिनट्स एक्सटेंड किया है यानी 20 मिनट्स में नान कटाई हमारे बन जाएंगे। फंक्शन स्टार्ट कर लीजिए। तो नान कटाई 20 मिनट्स हॉट ब्लास्ट फंक्शन 160 डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी नान कटाई बनी है। इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिए और आपका वैल्यूबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छे बनी है और ये गर्म होने की वजह से टूट गया है, बट इनसाइड टेक्सचर देखिए बहुत खूबसूरत आया है और बहुत ही टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग शाकिया किचन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।